खबर ग्वालियर जिले से है, जहां झांसी रोड थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घुसे और डंडों से जमकर मारपीट की, जिसके चलते इस घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद घायल छात्र की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान बाहरी छात्रों ने भी कॉलेज में घुसकर मारपीट की। हालांकि पुलिस इस मामले में कॉलेज प्रशासन के साथ बातचीत कर जांच कर रही है। हाँ, मैं एक मीटिंग में गया था और मुझे वहाँ रास्ते में किसी ने सूचना दी कि झगड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और जो भी मैं जो दोषी होगा, जो पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये तो अभी जान पता नहीं लगा है। जो छात्र कह रहे हैं कि कुछ बाहर के बच्चे थे, उसकी जानकारी जैसे तरह उसमें वीडियो में आएगी, उस तरह की कार्रवाई नहीं। ऐसा पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया। पुलिस का कहना है कि जो हमारे पास शिकायत आई उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास जो बच्चों के वो आएंगे तत्व, उनको हम भेजेंगे पुलिस को। साइंस कॉलेज चेतकपुरी पर झांसी रोड थाना अंतर्गत एक मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक युवक जो स्टूडेंट है उसके सिर में काफी चोट आई थी। पुलिस ने उक्त युवक की शिकायत पर कुल तीन लोगों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। थाना प्रभारी झांसी रोड द्वारा इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। सर, बताया जा रहा है बाहरी छात्रों ने वहां जाकर मारपीट की है कॉलेज के अंदर। अभी जो प्रथम दृष्टया जो चोट आई थी और फरियादी ने जो शिकायत की गई थी, मौके पर हमारी पुलिस की टीम भी गई थी और उसके स्कूल कॉलेज प्रबंधन के जो भी लोग हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। अगर ऐसे कोई तथ्य सामने आ जाते हैं तो उसको भी निराकरण किया जाएगा।